लक्ष्य बनाकर अगर कड़ी मेहनत किया जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है। इस कहावत को सही साबित किया है कवर्धा के शमनापुर में रहने वाले गौतम पाटिल ने। जी हाँ, उनका चयन हुआ है डिप्टी कलेक्टर के लिए। यहाँ तक का सफ़र कैसे उन्होंने तय किया, सारी बातें उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या। मैंने वर्ष 2015 में प्रारंभ किया था बीसी की तैयारी करना। उस समय मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर बिलासपुर में जाने के बाद और टीचर के गाइडेंस मिलने के पश्चात और दोस्तों के समर्थन से मैंने शुरू किया तैयारी। शुरू में तो थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन सिलेबस, परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों के पैटर्न को समझने के पश्चात मैं अपनी तैयारी के लिए अग्रसर हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्री क्लियर किया, मेंस नहीं हो पाया मेरा। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू गया, हालांकि 251 रैंक आया मेरा और सिलेक्शन नहीं हो पाया। तीसरे प्रयास में मैंने जो सेकेंड और फर्स्ट प्रयास में जो गलती की थी उसको सुधारते हुए तीसरा प्रयास में मैंने भरपूर ऊर्जा के साथ शामिल हुआ और तीसरे प्रयास में मैंने अपनी दूसरी रैंक प्राप्त की। मन में ख्याल कब आया कि मुझे प्रशासनिक पद पर जाना है? मन में तो शुरू से था सर कि पब्लिक से रिलेटेड काम करना है। प्रशासन में जाने का जो ख्याल है वो इंजीनियरिंग के दौरान है सर मेरे, जब इंजीनियरिंग कर रहा था उस दौरान है। आप जो है वर्तमान में एक पद पर हैं, फॉरेस्ट गार्ड के पद पर हैं, एक पद पर रहते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करना कितना चुनौती भरा रहा है? कैसे मैनेज होता था टाइमिंग का, जो पढ़ाई का, जो शेड्यूल तय कैसे करते थे? शेड्यूल ऐसा सर, ऐसा रहता है सर कि यदि ड्यूटी के दौरान देर रात यदि काम करना पड़े तो अपना शेड्यूल मैं सुबह करता था, और सुबह यदि काम नहीं हो तो अपना शेड्यूल मैं रात को पढ़ाई करता था। कुल मिलाकर मैं 4-5 घंटा दिन में अपने लिए निकाल ही लेता था। 5 घंटे मिनिमम अध्ययन करता था मैं। और ड्यूटी के दौरान तो परेशानी हुई सर, क्योंकि जॉब और पढ़ाई दोनों करते समय बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तैयारी की अगर बात करें तो जो जो अन्य लड़के भी हैं जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, किन बातों पर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, विषय की तैयारी जो है किस रणनीति के तहत करनी चाहिए? मैं जो प्रतिभागी है जो शामिल होने वाले हैं राज्य सेवा परीक्षा 2019-2018 में, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखिए, धैर्य के साथ कठिन मेहनत, कठिन मेहनत के साथ सही दिशा में मेहनत, सही दिशा में मेहनत के साथ साथ आपको उसकी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, उनकी जो चुनौती आती है बीच में उसको समझना पड़ेगा। लिखित अभ्यास, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है। मैं प्रतिभागियों से बोलना चाहूँगा कि मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, कम बुक पढ़ें लेकिन बार बार रिवाइज करें, खासकर कोशिश करें कि सिनॉप्सिस बनाएं, क्योंकि मुख्य सेवा परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो इस प्रकार है कि दिन में 2 पेपर होते हैं, तो यदि आप सिनॉप्सिस बना कर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप अच्छे अंक से आप अच्छे अंक प्राप्त करके सफल हो सकते हैं। आपका मनस्थिति क्या थी जब इंटरव्यू के लिए आप गए और किस तरह के सवाल आए और उन सवालों का जवाब आपने किस तरह से दिया? जब 2016 पीएससी में मैं पहली बार अपीयर हुआ इंटरव्यू के लिए तो मन में बहुत घबराहट थी, और लेकिन हम लोग का ग्रुप है सर, जो 4-5 लोगों का ग्रुप है जो साथ में तैयारी करते हैं, इंटरव्यू के दौरान हम पहले से प्रैक्टिस करके गए थे, मॉक इंटरव्यू, जीडी ग्रुप डिस्कशन करते थे, हर व्यक्ति 3 मिल के एक कर लेते थे फिर अगले कर लेते थे, इस प्रकार की कोशिश करते थे कि वहाँ नया चीज़ ना लगे, और इसका बहुत फायदा हुआ सर। यहाँ तक पहुँचने में आपका खुद का तो मेहनत थी जी, और किन किन लोगों का जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहयोग रहा? माता पिता का तो रहता ही है सर, और उन्होंने हर कदम पर मेरी मदद की, हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे। प्रक्रिया तैयारी के दौरान मेरे दोस्तों का जो योगदान है वो अतुलनीय रहा है। करना है तो किस दिशा में, कौन से क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका? समय के साथ प्रशासन में चुनौतियाँ बढ़ रही है सर, और मुझे एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में मैं जो दूरी है
बढ़ती जा रही है। प्रशासन और पब्लिक, खासकर जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जनजाति या महिला या शोषित, इन लोगों को जो दूरी है उसको दूर करें। साथ साथ जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम रहेगी सर। तो ये थे गौतम पाटिल, जिनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है, और उनकी माने तो कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से अगर मेहनत किया जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है, जो इन्होंने कर दिखाया है।